नमस्कार आदाब, न्यूज क्लिक के डेली राउंडअप में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। एफडीए ने अमेरिका में कोवैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल को नहीं दी मंजूरी। एआईएडीएमके सरकार के दौरान नागरिक आपूर्ति ठेकों में हुई अनियमितताओं से राजकोष को 2000 करोड़ रुपए का घाटा। उत्तराखंड में चमोली आपदा भारी हिमस्खलन का नतीजा थी, कहता है एक अध्ययन। महामारी में फुटबॉल, यूरो 2020 और कोपा अमेरिका जारी। और आखिर में कोरोना अपडेट, देश में 24 घंटों में 1,00,000 से कम नए मामले लेकिन मौत 3,000 से ऊपर। भारतीय वैक्सीन निर्माता कंपनी भारत बायोटेक को अमेरिका में इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए अभी भी थोड़ा और इंतज़ार करना होगा। अमेरिका ने अभी कोवैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल पर मंजूरी ना देने का फैसला किया है। एफडीए ने भारत बायोटेक की कोवैक्सीन टीके के आपातकालीन इस्तेमाल के आवेदन को खारिज कर दिया है। अब इस कंपनी को अमेरिका में अपनी वैक्सीन को लॉन्च करने के लिए थोड़ा और इंतज़ार करना होगा। बता दें कि कुछ दिनों पहले कोवैक्सीन के लिए अमेरिकी साझेदार ऑक्यूजन ने अमेरिकी दवा नियामक एफडीए के पास मास्टर फाइल भेजकर इस टीके के आपातकालीन इस्तेमाल की अनुमति मांगी थी। ऑक्यूजन ने कहा कि कंपनी अमेरिका से कोवैक्सीन की पूरी मंजूरी मांगेगी। बता दें कि अमेरिका कंपनी को एक और अतिरिक्त परीक्षण शुरू करने के लिए कह रहा है ताकि कंपनी एक बायोलॉजिकल लाइसेंस आवेदन के लिए फाइल कर सके, जो कि एक पूर्ण मंजूरी है। 2016 से 2021 के बीच तमिलनाडु नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा जारी की गई निविदाओं की शर्तों में कुछ बदलाव होने से राज्यों को 2000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। इस दौरान राज्य में एआईएडीएमके की सरकार थी। चेन्नई में स्थापित और भ्रष्टाचार के खिलाफ काम करने वाले संगठन अप्पोर अय्यकम यानी एपीआई ने इस मामले में सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय के पास दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए अर्जी लगाई है। TNCSC के ऊपर क्रिस्टी फ्रिजग्राम इंडस्ट्री एवं कंपनीज और इससे जुड़ी कंपनियों के पक्ष में तुअर दाल, ताड़ के तेल और चीनी के उपार्जन की निविदा शर्तों में बदलाव करने का आरोप है। एपीआई ने इन कंपनियों को ब्लैकलिस्ट में डालने और इस घोटाले में शामिल लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। उत्तराखंड के चमोली ज़िले में 7 फरवरी को आई आपदा एक हिमस्खलन का नतीजा थी, जिससे नज़दीक के रोती पर्वत से 2.7 करोड़ क्यूबिक मीटर की चट्टान और हिमनद बर्फ गिरी थी। इस आपदा में 200 से अधिक लोग मारे गए या लापता हो गए थे। रिसर्चर्स के एक अंतर्राष्ट्रीय दल के अध्ययन से ये बात कही गई है। इस क्षेत्र में इस साल 7 फरवरी को मानवीय आपदा आई थी, जब मलवा और पानी रोतीगाड, ऋषिगंगा और धौली गंगा नदी की घाटियों में गिरा था। इस आपदा की वजह से और इसके असर का पता लगाने के लिए 53 वैज्ञानिकों का एक वैश्विक दल आगे आया था। रिसर्चर्स में नई दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय और IIT इंदौर के रिसर्चर्स भी शामिल थे। उन्होंने पता लगाया कि चट्टान और हिमनद बर्फ के गिरने से बाढ़ आई थी। पत्रिका साइंस में बृहस्पतिवार को प्रकाशित इस अध्ययन से पता लगता है कि जलवायु परिवर्तन के कारण ऐसी घटनाएं ज़्यादा हो रही हैं और यह संवेदनशील वातावरण में बढ़ती विकास परियोजनाओं के खतरे को रेखांकित करती है। रिसर्चर्स ने कहा कि चट्टान और हिमस्खलन तेजी से अत्यधिक बड़े मलबे में बदल रहे हैं। इस अनुसंधान के नतीजे से शोधकर्ताओं तथा नीति निर्माताओं को इस क्षेत्र में पैदा हो रहे खतरों को बेहतर तरीके से पहचानने में मदद मिलेगी। इस हफ्ते अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में खेलों की कोविड-19 महामारी के बाद वापसी होने वाली है। यूरोपियन फुटबॉल की शुरुआत आज रात से होगी और रविवार से ब्राज़ील में कोपा अमेरिका भी शुरू होगा। इस फुटबॉल सीजन का क्या खास रहेगा, ये जानने के लिए देखिए ये बातचीत। पहले हम बात करते हैं यूरोज की। ये यूरो जो है ये यूरोप का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट है, मेन और वुमेन दोनों के लिए। इस साल मेन्स टूर्नामेंट खेला जाएगा और अगले साल वुमेन्स। ये टूर्नामेंट पिछले साल होना था यानी 2020 में होना था, इसे पोस्टपोन कर दिया गया है कोरोना महामारी के कारण। नाउ अब हुआ क्या है, धीरे धीरे जैसे यूरोप में वैक्सीनेशन, कोरोना वायरस वैक्सीनेशन होता है और वहाँ पे लॉकडाउन जो है उसका अंत हो रहा है, तो धीरे धीरे अलग अलग चीज़ें खोली जा रही है। तो हम देख रहे हैं कि अलग देश हैं, जैसे इटली जहाँ पे काफ़ी इम्पैक्ट हुआ था, UK जहाँ काफ़ी इम्पैक्ट हुआ था और काफ़ी लोगों की मौत भी हुई है कोरोना वायरस के कारण, धीरे धीरे ये लोग अपनी इकोनॉमी और अब जो सोशल रिस्ट्रिक्शंस हैं वो खोल रहे हैं। तो इस साल 24 देश इस प्रतियोगिता में भाग लेंगे, जो कि अकॉर्डिंग टू प्लान है। और ऑल्सो नया फॉर्मेट ये है कि 11 अलग शहरों में ये मैचेस खेले जाएंगे, जो कि 11 यूरोपियन
अलग अलग 11 देशों में हैं, अजरबैजान और रशिया से लेके स्पेन और यूके तक। ऑब्वियसली द फेवरेट्स जो हैं इस साल वो फ्रांस हैं, और उनके साथ साथ ऑफकोर्स इंग्लैंड, क्योंकि प्रीमियर लीग इतना पॉपुलर है तो इंग्लैंड के लिए भी बहुत सारा सपोर्ट है। एंड देन ऑफकोर्स द रेगुलर्स जो हमेशा स्ट्रॉन्ग यूरोपियन साइड्स होती हैं, जैसे कि स्पेन, जर्मनी, वो सब इस मुकाबले में, इस टूर्नामेंट में भाग लेंगे। नाउ बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस रिस्ट्रिक्शंस, पहली बार हो रहा है ये 2020 के बाद कि क्राउड्स को स्टेडियम में वापस आने दिया जाएगा, लेकिन जो क्राउड्स के अलाउंसेज हैं वो अलग अलग हैं। अगर आप यूरोप में भी रहते हैं तो ऐसा नहीं मान सकते कि आप एक देश से दूसरे देश जा पाएंगे मैचेस देखने। दूसरा तो ये है कि ऑलमोस्ट सारे शहरों में जो टूर्नामेंट की फुल, जो वेन्यू की फुल कैपेसिटी है वो उस पर नहीं खेली जाएगी। कुछ देशों में 25% तक लिमिट किया जाएगा, जर्मनी के म्यूनिक में 22% और बुडापेस्ट की राजधानी, हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में उनकी आशा है कि 100% यानी फुल कैपेसिटी स्टेडियम के सामने ये मैचेस खेले जाएंगे। तो एक तो ये रही यूरोप की कहानी, ये टूर्नामेंट आज रात शुरू हो रहा है और इसकी चर्चा हम हमारे चैनल 420 ग्राम्स पे विस्तार से करते रहेंगे, रोज इसकी कवरेज आपको मिलेगी तो आप वहां जा सकते हैं। अब रही बात कोपा अमेरिका की, जो साउथ अमेरिका का मुख्य टूर्नामेंट है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। यहाँ पे नॉर्मली 12 देश भाग लेते हैं, लेकिन इस साल क्योंकि इन 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 12 देशों में से 10 साउथ अमेरिकन देश होते हैं और 2 इन्वाइटीज होते हैं जो कहीं और से भी हो सकते हैं। इस साल के इन्वाइटीज थे ऑस्ट्रेलिया और कतर, जो कि दोनों एशियाई देश हैं फुटबॉल के कॉन्टेक्स्ट में। दोनों ने विदड्रॉ करना पड़ा इस टूर्नामेंट से, लीविंग ओनली 10 कंट्रीज टू प्ले। नाउ शुरुआत में ये टूर्नामेंट होस्ट किया जा रहा था, इनके मेजबान थे कोलंबिया और अर्जेंटीना साथ साथ में, जो कि शुरू से ही एक थोड़ा प्रॉब्लमैटिक इशू रहा है, क्योंकि एक साउथ अमेरिका काफी बड़ा कॉन्टिनेंट है और कोलंबिया और अर्जेंटीना ऑलमोस्ट इस कॉन्टिनेंट के अलग अलग साइड्स पे हैं, तो जो लॉजिस्टिकल इश्यूज थे वो काफी बड़े थे। अब अप्रैल से कोलंबिया में नेशन वाइड सोशल मूवमेंट्स जारी हैं इवान ड्यूके की गवर्नमेंट के खिलाफ, उनकी न्यू लिबरल पॉलिसीज के खिलाफ काफी बड़े स्तर पर विरोध प्रतिरोध चल रहा है। तो इसके तहत कोलंबिया से ये टूर्नामेंट शिफ्ट किया गया, पहले तो अर्जेंटीना, उसके बाद क्योंकि कोरोना वायरस की स्थिति अर्जेंटीना में काफी खराब थी, अर्जेंटीना भी होस्ट नहीं कर पाई, तो ब्राजील ने अपना हाथ खड़ा किया। ब्राजील के जायर बोल्सोनारो जो कि वहां के लीडर हैं, उन्होंने कहा कि हम होस्ट कर पाएंगे। अब 2014 में ब्राजील ने फीफा वर्ल्ड कप होस्ट किया था, तो उनके पास पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, काफी तैयारी है, लेकिन जब से ये ऑफर सरकार की तरफ से गया, काफी इसके खिलाफ जनता की फीलिंग्स रही है और पॉपुलर जो ऑपोजिशन है इस टूर्नामेंट का वो काफी वाइड स्प्रेड है, क्योंकि याद रखिएगा ब्राजील हैज बीन हिट वेरी बैडली बाय द पैंडेमिक। 4.5 लाख से ज्यादा लोग अपनी जाने गंवा चुके हैं कोरोना वायरस आउटब्रेक के बाद, तो इस नेचुरल है, जाहिर है कि इतना जो खर्च है इस टूर्नामेंट के ऊपर और जो प्रेपरेशन हैं उसके खिलाफ काफी विरोध रहा है। बट ये टूर्नामेंट, फर्क दोनों टूर्नामेंट्स में ये है कि कोपा अमेरिका क्लोज डोर टूर्नामेंट है, यानी कि फैंस को स्टेडियम में आना नहीं दिया जाएगा और केवल 4 शहरों में, ब्राजील के 4 शहरों में सारे मैचेस, 28 जो मैच हैं वो खेले जाएंगे। कोपा अमेरिका के खिलाफ जो 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 विरोध है वो सिर्फ आम जनता के बीच नहीं है, प्लेयर्स ने भी अपनी आशंका वॉइस की है, सेम सेफ्टी रीजंस को लेके, नॉट जस्ट सेफ्टी रीजंस को लेके बट ऑल्सो जनता की फीलिंग्स को माइंड में रखते हुए कि अगर इतना बुरा हाल है तो हम कैसे इस बीच खेल रख सकते हैं। तो ब्राजील और अर्जेंटीना की टीम्स ने कहा है कि ये वो नाखुश हैं कि ये टूर्नामेंट ब्राजील में खेला जा रहा है, लेकिन वो तब भी अपने, क्योंकि उन्हें बोला गया खेलने के लिए तो वो खेल रहे हैं। अब फिफ्प्रो जो कि यूनियन है प्लेयर्स का, प्रोफेशनल प्लेयर्स का, अंतर्राष्ट्रीय यूनियन है जहाँ पे दुनिया के सारे प्रोफेशनल प्लेयर्स जिसका भाग हैं, उन्होंने कहा है कि वो प्लेयर्स का समर्थन कर रहे हैं और अगर कोई प्लेयर इस टूर्नामेंट से विड्रॉ करना चाहेगा तो वो उस प्लेयर को सपोर्ट करेंगे ताकि वो अपने देश से या अपनी फुटबॉल फेडरेशन से उन पे कोई असर ना पड़े, उन कोई सैंक्शंस ना हो। हम ये दोनों टूर्नामेंट काफ़ी विस्तार से फॉलो कर रहे हैं, ऑल्सो
बाकी सारी साउथ अमेरिका में या विश्व में जो जो प्रदर्शन चल रहे हैं, जो प्रतिरोध चल रहे हैं, उनकी कवरेज आप हमारे साथी चैनल पीपल्स डिस्पैच पे देख सकते हैं, और फुटबॉल न्यूज के लिए आप हमारा डेडिकेटेड फुटबॉल चैनल 420 ग्राम्स फॉलो कर सकते हैं। शुक्रवार 11 जून को जारी आंकड़ों के अनुसार देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 91,845 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा कोरोना से आज फिर 3,000 से ज्यादा यानी 3,414 मरीजों की मौत हुई। साथ ही इसी बीच देश भर में कोरोना से पीड़ित 1,35,326 मरीजों को ठीक किया गया है और एक्टिव मामलों में 46,281 मामले कम हुए हैं। देश में कोरोना के मामलों की संख्या बढ़कर अब 2,92,73,755 हो गई है, जिनमें से अब तक 3,62,519 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में कोरोना से पीड़ित 94.92% यानी 2,77,80,391 मरीजों को ठीक किया जा चुका है और देश में एक्टिव मामलों की संख्या घटकर 3.83% यानी 11,61,164 हो गई है। न्यूज क्लिक के डेली राउंडअप में आज बस इतना ही। हमारी खबरों को और विस्तार से पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं। साथ ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। न्यूज क्लिक देखने के लिए शुक्रिया।